फिरोजपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, दिल्ली बठिंडा शताब्दी ट्रेन अब फिरोजपुर तक जाया करेगी। शताब्दी ट्रेन को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस ट्रेन के आने से फिरोजपुर के लोगों में खुशी है। हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली बठिंडा शताब्दी को बठिंडा से फिरोजपुर तक रवाना किया। फिरोजपुर की आवाम बड़े समय से इस पल का इंतजार कर रही थी, जिसे रेलवे ने पूरा कर दिया है। दिल्ली बठिंडा शताब्दी को फिरोजपुर तक कर दिया गया है। ये ट्रेन हफ्ते में दो बार सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस ट्रेन के आगे बढ़ाए जाने पर खुशी जताई। फिरोजपुर दे लोका ने कैसी है शताब्दी नो फिरोजपुर ताई ले जाए ते ए शताब्दी नो दिल्ली बठिंडे तो लेके फिरोजपुर ताई एक्सटेंड कीता गया, जेदे नाल बॉर्डर दे लोका नो भी फायदा होगा, बठिंडे दा व्यापार भी वधूगा ते दिल्ली दे नाल सिद्धी कनेक्टिविटी लोका नो मिलन करके लोका नो भी बहुत वड्डी सहूलत। फिरोजपुर पहुंचने पर ट्रेन का शानदार स्वागत किया गया। ट्रेन का स्वागत करने पहुंचे सांसद शेर सिंह घुबाया, उन्होंने भी ट्रेन के फिरोजपुर तक बढ़ाए जाने पर खुशी जाहिर की। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का, रेलवे मिनिस्टर साहब का और सारे एमपी साहबाना जिन्होंने पूरा यत्न करके ये ट्रेन जी है फिरोजपुर तक शताब्दी आई है। इस नाल पूरे इलाके नूं बड़ा खुशी हुई है ते नाल ही बड़ी सहूलत होएगी कि जो दिल्ली जाना होएगा तो फिरोजपुर तो बैठ के सीधे दिल्ली चले जाएंगे। फिरोजपुर निवासियों ने भी ट्रेन के शुरू होने से खुशी जताई और उनकी मांग है कि इस ट्रेन को रोजाना चलाया जाए। रेलवे डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं अभी इस ट्रेन को कंटिन्यूसली इसको किया जाए ताकि सभी निवासियों को फिरोजपुर के आसपास के लोगों को भी इस सुविधा का आनंद लिया जाए। खास करके बिजनेसमैन को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा और बाकी मेरा ये है कि ये दिल्ली होनी चाहिए। फिरोजपुर के लिए शताब्दी ट्रेन रेलवे का काफी खास तोहफा है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल शुक्रवार को बठिंडा में थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आईएएस और आईपीएस में अच्छी कोचिंग के लिए बठिंडा की महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी में कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को समर्पित राष्ट्रीय सेमिनार में पंजाब के सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने शिरकत की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद रहीं। इस मौके पर सीएम ने सिविल सर्विसेज में पंजाब से कम आउटपुट पर चिंता जाहिर की। इसके मद्देनजर उन्होंने महाराज रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी में आईएएस कोचिंग सेंटर खोले जाने का ऐलान किया, जिसमें एससी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बठिंडा के विकास में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने साफ किया कि ओबीसी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में हुई देरी में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया।